जिस नाल जिन्ना रिश्ता होंदा है उस तो बाद पीड़ा होंदी है
ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਗਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕੰਚਨ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਂਮੰਡਲ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਕਣ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਸਾਵੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਮਾਂ ਪੁਸ਼ਪੁਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲੇ ਫੁਲੇ ਆਓ ਰਸਮ ਪਕੜੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। Thank you.
Namo
पवित्र आत्मा श्री सुदेश राणी जी, जिनकी आयु 85 बरस की थी, वो पुनः पवित्र आत्मा भगवान के चरणों के अंदर लीन हो गई। उस आत्मा के लिए रखे गए गुरु पुराण का पाठ श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सब ने मिलकर के उस पुनः पवित्र आत्मा के लिए भगवान का स्मरण करना है। श्रद्धा से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि उस आत्मा को जाकर के प्राप्त होती है। सब ने मिलकर के भगवान का स्मरण करना है कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय मंगल हारी मंगल एक दिनी
ये हमें सभी को पता है, जो आया है उसको जाना। लेकिन आने और जाने के दो रास्ते हैं हमारे। एक तो हम अच्छे कर्म करके जाते हैं, हमें रास्ते में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं। पूजा पाठ करते करते उसको बड़ा समय बीत गया, लंबा समय हो गया, तो माता पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु, आप तो बड़े दयालु हो, अपने भक्तों को कुछ न कुछ देते हो। ये साहूकार है जो जिसने इस संसार में जन्म लिया हुआ है, बड़ी देर हो गई है पूजा पाठ करते करते आपकी, आप चल करके पूछिए इसको क्या चाहिए, क्या दुख है। शंकर भगवान जी माता पार्वती जी के कहने से साहूकार के पास में आ गए। जब साहूकार के पास में आए, हे साहूकार, मैं आज तुम्हें कुछ वरदान देने के लिए आया हूं, मांगिए मेरे से क्या मांगना है। शंकर भगवान जी कहने लगे, साहूकार कहने लगा, भगवान, सबसे पहले तो मेरे को आप ये बतलाओ कि आप कहां पर रहते हो। साहूकार कहने लगे, हंसने लगे, हे साहूकार, मैं शिवलोक में रहता हूं और शिव शंकर मेरा नाम है, शिव शंकर मेरा नाम है। भगवान, मैं भी आपके शिवलोक को देखना चाहता हूं, आपका कैसा शिवलोक है। साहूकार कहने लगे, उधर शंकर भगवान जी और साहूकार शिवलोक में चारों तरफ से घूमने लगा, देखने लगा यहां पर क्या है। उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, दिखाई देता है कि जैसे दिवाली के दिन, दीपावली के दिन हम अपने घरों में, मंदिर में तेल के दीवे जलाते हैं, ऐसे शिवलोक में तेल के दीवे जला रहे, लेकिन कोई तो तेल से भरा हुआ था दीपा, किसी की चौहान दीपों को देखकर के बड़ी चिंता में हो गई। हमने तो सुना है भगवान के घर में कभी कम सौभाग नहीं है, ये कैसे से भरा हुआ दीपक है और कोई बुझा हुआ है, किसी दीवे में तेल बहुत ही कम है। जब साहूकार शंकर भगवान के पास में वापस आ गए,
कहने लगी भगवान सबसे पहले तो मेरे को आप ये बतलाओ जो ये दीवी है कोई तो दीपक तेल से भरा हुआ है, किसी दीवे में तेल बहुत ही कम है, कोई बुझा हुआ है। तो शंकर भगवान ने कहा हे साहूकार मैं आपको बतलाता हूं नाम के दीवे ये शिवलोक में जल रहे ये उन्हीं के नाम के दीवे हैं जो दीपक तेल से भरा हुआ है और जिस दीवे में तेल बहुत ही कम है उसकी आगे आयु जा चुकी है और आदि बाकी। अब ये निकाल करके सभी दीपकों में से मेरे टीवी के अंदर डाल दीजिए, ना तो मेरी टीवी का तेल मुकेगा और ना मेरी मौत हो। तो शंकर भगवान ने कहा ही साहूकार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी के दीपक में से तेल निकाल नहीं सकता, किसी के दीवे में से तेल डाल नहीं सकता। जितने भी जीव मनुष्य प्राणी धन तो मेरे पास में है, पुत्र मेरे पास में है, नौकर चाकर मेरे पास में है और जितनी जायदाद मेरे पास में, आप ऐसा कीजिए थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके मेरे दीवे के अंदर डाल दीजिए। तो शंकर भगवान जी कहने लगे साहूकार को हे साहूकार मैं आपको बतलाता हूं कि दीवे दिलो बंगो के दीवे दिलो बंगो जिंदगी दखे पावी बाजी बड़ा दुख का
करिए यतन कबीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदे तेरे लिखी गई तकदीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदे तेरे लिखी गई तकदीर जी। एक पल दे विच की हो जाना, एक पल दे विच की हो जाना, ये गल किसी ना जानी। मात पिता दे वास्ते सरवण लैन गया जो तो पानी सी, हाथ विच गड़वा फड़िया रह गया तो लग्या कलेजे तीर, कदे मिटाया नहीं मिटदे जले लिखी गई तकदीर। पहले पहले हर कोई आखे, पहले पहले हर कोई आखे, मैं भी अखा वेले उस वेले कोई ना आखे कि जदो जानती जाने अखे। ऐसे चलो चलीदा बेटाए कुछ ना शब्द तैयार, पता नहीं जासू कि कन्नू की बात ये सानू कोई भी पता नहीं है। जैसे माता जी बहुत अच्छा परिवार है, बाबा परिवार 85 वर्ष की आयु लेकर के और भगवान के चरणों में वो पुण्य पवित्र आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गए। आज की नोटिस को जमानत ना होगी। जब उस परमपिता परमात्मा के घर से हमारा एक डिमांड नोटिस आ जाता है कटकर, आज की नोटिस को जमानत ना होगी, पत्तों में अगर कुछ इमानत ना हो, इमानत कौन सी चाहिए? हमने धन को इकट्ठा कर लिया, मित्र प्यारे सगे संबंधी शमशान घाट में चले जाए और नीम के पत्ते चबा करके, तिनका तोड़ करके, नाता तोड़ करके वापस घर को लौट आ जाते हैं, लेकिन हमारा किया हुआ अच्छा कर्म ही हमारे संसार में जाता है। काया रे दरिया खाली करनी पड़ेगी, ये तो हमारा किराए का एक मकान है। जय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा परिवार है। एक समय की बात है, एक पत्नी अपने पति से कहने लगी, उसने कहा जो भी आप मेरे को कुछ भी बोलोगे मैं वही कर डालूंगा। अच्छा आप ऐसा कीजिए, क्या अपनी मां की कलेजी को चीर करके मेरे पास में ला सकते हो? उसने कहा मैं अभी आया, लेकिन अपने पुत्र वास्ते माने रसोई के बीच जाकर के बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए हुए अपने हाथों के नाल, कि जब मेरा बेटा आएगा और तब मैं जाकर के अपने हाथों के नाल मैं उसको भोजन कराऊंगा। जब वो अपनी मां के पास में गया, उसकी मां कहने लगी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है। उसने एक न सुनी, झट से तलवार उठाई और अपनी मां की कलेजी के अंदर मारी, तो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, कलेजी के अंदर से आवाज आई, अरे बेटा तेरे हाथ पांव में तुमने टूट गए, तेरे को कितना दुख हुआ है, तेरे को कितना कष्ट हुआ है। वो बेटा अपनी मां को याद करके रोने लगा, देखिए मैंने कितना बड़ा अत्याचार कर डाला, और फिर भी लेकिन मेरी मां की कलेजी के अंदर से आवाज यही निकलती रही, अरे पुत्र तेरे हाथ पांव तुमने टूट गए, तेरे को कितना कष्ट हुआ है, तेरे को कितना दुख हुआ, क्योंकि मां जैसा प्यार जगत में कोई दे नहीं सकता, मां जैसा कोई इस संसार में कोई दूसरा बन नहीं सकता। कभी गांधी कहते हैं मवादी तलोड़ रेंदी बंदे नू उमर किसे दी रब्बा माना मरी
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
देख रहा है, लाखें आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला जे तुझे देखने वाला। श्रीमन नारायण 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 नारायण। कुटुंब कबीला सोना बंगला साथ में तेरे जाएंगे, कुटुंब कबीला सोना बंगला साथ में तेरे जाएंगे। इनके खातिर पाप करता यस ना तुझे दिलाएंगे। लक्ष्मी नारायण 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 जाएंगे जैसे उड़त कपूर, धन दौलत उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर। हे मूर्ख हरि भजन कर हो जाए बेड़ा पार, जी हो जाए बेड़ा पार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी आत्मा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद हमारे परम पूज्य आदरणीय पंडित हरिओम शास्त्री जी ने उस पुण्य पवित्र आत्मा के लिए जो गुरु पुराण का पाठ रखा है। श्री संजीव तलवार जी MLA साहब ने उसकुन पवित्र आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगवान उन पुण्य पवित्र आत्मा को अपने चरणों में निवास स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जय मंगलम कोटि काक्ष मंगलेश्वर हरि ओम नमः। ओम गजाननम भूति गणादि शीलिकम अभीति जम्बो फलचा वलीगण भगवान की जय। गुरु पुराण अच्छे कहते हैं गुरुड़ एक पक्षी है और भगवान विष्णु की सवारी है। एक समय गुरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, जो आत्मा यहाँ पर जो जन्म लेती है और जाने अनजाने में वो पाप कर्म कर देता है तो उसकी गति कैसे होती है? भगवान विष्णु ने गुरु जी को सुनाया और गुरु जी ने सुना पुराण माने सुन, उसे कहते गुरु पुराण। भगवान विष्णु ने मनुष्य की गति के बारे में
इस पुराण पुराण के अंदर सारे ही 16 अध्याय के अंदर सब कुछ बताया है कि मनुष्य ने क्या कर्म करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनेक है आयु कम है। इसलिए कहा है कि गुरु की वाणी से ही मनुष्य की गति होती है, गुरु की वाणी के बगैर, गुरु के बगैर इंसान का पतन हो जाता है। कहीं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हे गुरु जी आपको गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए बलियारी, गुरु आपने इन्हें गोविंद हो मिला। गुरु और भगवान दोनों भगत के सामने खड़े कि भगत कहता है प्रथम किसको प्रणाम करो, ये गुरु जी आपको प्रथम प्रणाम है, क्योंकि गुरु के बगैर भगवान नहीं, गुरु के साथ ही तो भगवान आए तो कभी मेरे को दर्शन हो जाए। इसलिए कहा है कि मन को शांति के लिए गुरु अपनाना जरूरी है। भगवान विष्णु ने कहा है गुरु की वाणी से ही जो गुरु कहता है उसके मुताबिक चलता है कि इंसान उसकी गति है जानता है। यह आमुष्मिक पारमार्थिक क्रम पितरों को मुक्ति देने वाला है। गुरु पुराण जो है पितरों को मुक्ति देने वाला है, प्रेत को गति देने वाला है, पुत्र की वांछित कामना को देने वाला है, जो माता पिता की ओर से अंत्येष्टि क्रिया जो करता है वही पुत्र कहला जाता है। क्योंकि माता पिता को जो पुत्र शमशान में अपने कंधे पर ले जाता है वो एक एक पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। देवता पितृगण उसके घर को नहीं देखते हैं, ब्राह्मण अक्षत्रिय वैसे शूद्र तथा और लोगों को भी प्रेत क्रिया के बिना चंडाल के समान जानना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। इस पवित्र प्रेत कल्प को जो सुनता है और सुनाता है वे दोनों पाप से छूटकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे गुरु जी माता पिता के मरने पर जो पुत्र इसको सुनते हैं उनके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और वह पुत्र संति वाला होता है जिसने गुरु पुराण नहीं सुना हो और गया श्राद्ध नहीं किया हो, जिसने वर्थोत्सर्ग नहीं किया। वर्थोत्सर्ग किसको कहते हैं, बैल को छोड़ना, सांड को छोड़ना, उसे कैसे पुत्र कहा जाए। वह तीनों प्रकार के ऋण से कैसे छुटेगा जो अपने माता पिता के कर्म को नहीं करता, माता पिता को तारने में कैसे समर्थ होगा। इसलिए सब प्रयत्न से माता पिता के मरने के बाद गुरु पुराण निश्चय सुनना चाहिए। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। भरतवाच्य की पूजा अन्न सोने के दान और बहुत भूमि दान से अधिक फल की प्राप्ति के लिए भक्ति भरतवाच्य की पूजा करें। वाच्य की पूजा करने से भी भगवान विष्णु अब श्रीमद किशोर जी आगे आए, गरुड़ प्राण की पूजा करें। हरिओं शांताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वैश्वानरं भगवतस्तस्यं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगरविन्देन गम्यं वंदे विष्णु भवभरणं जो भी जिसने भी उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है वो 5 मिनट के लिए आगे आए। बाबा जी श्री कुलदीप झंडा जी
सारे इलाके के पतवंते साथियों, अज असी माता जी के भोग के शामिल हुए हैं। माता जी बारे भारती जी दस रहे सी, बहुत विस्तार पूर्वक दसा उन्होंने। ये सिर्फ तो सिर्फ इस गल तो मेरा यही समझना है कि अकाल पुरख के हुक्म अनुसार सिर्फ समा ही आ गया। जिनी उम्र सी उन्होंने उन्नी उम्र अज दे किसी युग के नवे युग के लोगों के मैं नहीं समझता कि इन्नी उम्र तक कोई पहुँचेगा। तो सिर्फ थोड़े समय तो भी बीमार सन, तो अचानक प्रॉब्लम आई। ये उस परमात्मा के हुक्म मुताबक जिमें कले आए नानका सदे उठे उठे जाए के मुताबक साढ़े विच नहीं रहे। परिवार को बहुत भारी दुख है। ये दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस नाल जिस जिन्ना रिश्ता होता है उस तो बाद पीड़ा होती है। इंसान माता का दिता कदे नहीं दे सकता। जो बच्चे लिए माता करती है, जो माता के दिल के आत्मा प्यार होता है, जो माता अपने बच्चों बारे कामना करती है, परमात्मा को भी वो बारे झुकना पैंदा है। परमात्मा भी माता के हुक्म तो परे नहीं हो सकता। सो माता जी बारे जिन्हें शब्द किए जान थोड़े ने, मैं अपने वालों अपने साथियों वालों हैप्पी रंधावा जी आए ने, नरेश उप्पल जी आए ने, सतराम सिंह जी आए ने, साढ़े बाबा जी कांग्रेस के वड्डे लीडर ने, बहुत सारे पतवंते साथी आए ने। माफ़ी चाहना, मैं बेनती करना बाबा जी को श्रद्धा सुमन भेट कर। बाबा जी के बाबा जी साढ़े सीनियर कांग्रेस लीडर सरकार जो माता सुदेश रानी बाबा जी साढ़े बिच नहीं रहे, अज उन्होंने याद के गरण प्राण जी ने भोग पाए गए ने। दुनिया की तरीत है कि इंसान इस दुनिया से आता तो चलिया जाता, पर जो इंसान जो परिवार समाज की सेवा करते हुए सच्ची सुची किरत करते हुए इस दुनिया च विचरते ने, उन्होंने हमेशा याद रखा जाता। माता जी के सपुत्र नंद किशोर बाबा जी उन्होंने नूह राणी कंचन बाबा जी जेडे के पंजाब के रागी महामंडल के भी महिला विंग के प्रधान ने। मैं समझा कि जिथे माँ शब्द एक शब्द है पर इसके अर्थ बहुत डूंगे। माँ की सेवा, माँ का सत्कार, माता पिता का सत्कार करना बहुत बड़िया गलों की। अज देख रहे हैं कि समाज के बड़ी बड़ी गिरावट आई है कि वड्डियां का सत्कार खत्म होता जा रहा है, माता पिता का सत्कार खत्म होता जा रहा है। और मैं समझा कि जो कंचन बाबा नंद किशोर बाबा जी तो सारे परिवार ने उन्होंने बच्चों ने जो माता की सेवा की है बेमिसाल। मैं देखा कोई भी समागम से कहते कितने नहीं जाना क्योंकि माता जी बीमार। ये जो अज असी देख रहे हैं कि बड़िया बड़िया कमियां ने परिवारों के माता पिता का सत्कार खत्म होता जा रहा। माँ शब्द के माँ का जो प्यार की शुद्धता है तो दुनिया कितने इन्नी शुद्धता किसी चीज़ के नहीं मिलती। दसते ने कि एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल मैं तेरी माता के दर्शन करने चाहता, तो बीरबल ने
कि आज कितने अकबर बादशाह कितने मेरा घर मेरी माता कि ना ही आवे तो चंगी गल। और एक दिन ऐसा सबब बनया कि अकबर बादशाह बीरबल के घर जाता है तो उसकी माता का मुख ढकया होया। बादशाह कहता कि माता मैं तो तेरे मुख के दर्शन कर आया तेरा मुख ढकया होया। तो माता का जवाब सी कि माता के दर्शन मुख तो नहीं कुख तो होंगे कि उसने कैसी औलाद को जन्म दिया। अज मैं समझा आनंद किशोर बाबा जी जिन्हों की हलीमी प्यार सत्कार नरमी उन्होंने जुबान से देखते हैं कदे उच्ची आवाज ही नहीं उस महान माता के गुण ने अज ये सारिया गल जीवन याद हो गई ने। जब असं अजे समय एकत्र होंगे पंडित जी गरुड़ पुराण जी बारे दस रहे सर क्योंकि साढ़े जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ ने सानू ढारस देंगे ने सानू हौसला देंगे ने सानू जिंदगी जीवन का रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह तुसी समाज विचरना ये जो गृहस्थ जीवन है ये दुखों के सुखों का सुमेल है। इस दे विच पता नहीं कदों अचानक सुनो कदों कोई सुख की खबर आनी है। इस करके अजिहे समय असी परमात्मा का नाम लैना उस प्रभु को याद करना उस विछड़ी आत्मा बारे गल्लां करनियां क्योंकि अज असी देख रहे हैं कि समाज के 40 साल की उम्र तो बाद 5-4 बीमारियां हो गई एक एक दोनों लग ही जाए सारे समय ही ऐसा साढ़िया खुराक ही ऐसा सादा वातावरण ही ऐसा है कि अज भी जोड़े पुराने बजुर्ग ने जिमें हमने साढ़े नेता जी कह रहे सर कौशल साहब कि इन्नी उम्र होगी पुरानिया उम्र तो बहुत होंगे बहुत क्योंकि वो बड़िया बजुर्गों दुराक बजुर्ग अज भी असी सवेरे साथी इकट्ठे होंगे साढ़े कर्नल ने कर्नल कालो उन्होंने उम्र 70-78 साल है तो जो 25-26 साल वाले सारे उन्होंने थले जब एक्सरसाइज करते हैं 78 साल के सारे नौकर ने कहने का भाव जिहड़ियां खुराक जो पुरानी एक्सरसाइज वो समय लग गए अज बजुर्ग कितने ना कितने साढ़े नाल फिर तकड़े ने पर उस महान माता का जाना जिथे सानू सारे दुख है। बलविंदर बाबा जी होर मैं देख रहा गुलशन बाबा जी रविंदर बाबा जी सारे ही रिश्तेदार सारे दोस्त मित्र मेरी सरकार जो भैं माताव बेटिया सारे आप अज इस दुख के समय परिवार के नाल दुख वंडाने एकत्र हो क्योंकि दुख वंडाए तो घटता है खुशी बधाए दिग्विजा शामिल होने तक खुशी बढ़ती है ये रवायता ने समाज की। अज स्वदेश राणी माता जी उन्होंने जाना क्योंकि इस उम्र के कोई भी मैंबर जाता है एक खिलाव पैदा एक घाटा पैदा एक डिस्टेंस होता एक जोड़ा गैप पैदा वो भरने लिए समा लगता है। तो मैं देख रहा जिस दिन संस्कार से तो किस तरह परिवार के मैंबर बदलाव कर रहे सर तो वो एक जो अपने अपने आप के एक महसूस होंगे कि अब सू बड़ा वाला घाटा पे क्योंकि सारी जिंदगी के समय याद आए। मैं ज़्यादा समा ना लेता हो अपने वालों अपने परिवार वालों बैरागी महामंडल पंजाब वालों ऑल इंडिया बैरागी वैष्णव महामंडल वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन वालों उस महान माता को श्रद्धा से सत्कार भेंट करता जय राम। मैं सारे आए रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे जो भी मैं देख रहा कि पोलिटिकल पार्टी सारे सत्कार योग साथी आए हैं कल कल का नाम लेने समा भी लगता तो मैं सारे का परिवार जिन्होंने भोजन नहीं छकया वो जरूर इस तो बाद छकन क्योंकि सारे कोई दूरों दूरों चल के आए हैं तो मेरी सारे बेनती है मैं सारे आए हुए दोस्त मित्र का रिश्तेदार का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना जय राम जी। ओम प्रकाश जी
सतपाल जी, हैप्पी रंधावा जी, उपल डॉक्टर जी, सतनाम सिंह जी, सतीश जी, बलविंदर बाबा जी, गाबा जी शामिल हुए हैं। तो सावी की ओर से माँ पुष्पुन पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि, और ये परिवार बाबा परिवार फले फूले आओ रसम पकड़ी होगी, उसके बाद में आरती की जाएगी। Yeah.
जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, परवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश, हरि ओम जय जगदीश, हरि स्वामी जय दीनानाथ हरि। भक्त जनों के शंकर दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर ओम नमो हरि। शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति राव शांति, हो thank you.
थैंक यू सर।